नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपकी चैनल एस्ट्रो काल गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको चंद्र ग्रहण पर संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। 28 अक्टूबर जिस दिन शरद पूर्णिमा है, उस दिन चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। मेष राशि में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है अश्विनी नक्षत्र में, और 29 तारीख को मध्य रात्रि में यानी कि 1:05 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और 2:26 तक समाप्त हो जाएगा। और भारतवर्ष में सूतक काल जो है चंद्र ग्रहण का 4:05 28 तारीख को 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। और इस ग्रहण काल में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल से पहले आपको भगवान का पूजन कर देना चाहिए और ग्रहण काल सूतक काल में भगवान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आपको ग्रहण काल में भगवान से दूर बैठ करके आप जप कर सकते हैं। मेष राशि पर अश्विन नक्षत्र में ही ये ग्रहण दोष बन रहा है और साथ में शनि की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है और साथ में राहु चंद्रमा और बृहस्पति का योग भी है, यानी कि 3 और 5 ग्रहों का ये संबंध बन रहा है मेष राशि के लिए। तो आपके लिए थोड़ा चिंताजनक है, मानसिक तनाव हो सकता है, आपने वाहन चलाते हुए ध्यान देना चाहिए, दुर्घटना से बचना है, अचानक दुर्घटना कहीं हो सकती है इसलिए दुर्घटना से सावधानी बरतनी है ग्रहण काल में, ग्रहण काल के 7 दिनों तक। और साथ में खर्चा अधिक होने का भय है, मानसिक तनाव होने का भय है, शारीरिक कष्ट होने का भय है मेष राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए भी खर्चे का बहुत ज़्यादा खर्चा होने का योग बनता है, धन का कहीं अनावश्यक धन खर्चा होने का योग बनता है, साथ में मानसिक तनाव हो सकता है, पारिवारिक उलझने बढ़ सकती हैं वृषभ राशि वालों की। और मिथुन राशि के लिए बहुत बढ़िया अच्छा सुफल है इस ग्रहण का, धन धान्य की वृद्धि के योग बनते हैं, उन्नति के योग बनते हैं, संतान पक्ष के लिए शुभ संकेत है, पारिवारिक सुख शांति का माहौल मिथुन राशि के लिए बनता है। कर्क राशि वालों के लिए कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव रहेगा और मान सम्मान में कमी आएगी, साथ में खर्चा अधिक होगा, अनावश्यक यात्राएं करने का योग बनेगा और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं बनती हैं। और सिंह राशि वालों के लिए इस ग्रहण काल में उनके लिए भी भारी रहने वाला है, अज्ञात भय बना रहेगा, शत्रु भय बना रहेगा, मानसिक तनाव रह सकता है, पारिवारिक चिंता आपको बनी रह सकती है, खर्चा होने का भी योग बन रहा है। और कन्या राशि वालों के लिए भी शत्रु भय बना हुआ है, चोट लगने का भय बना हुआ है, साथ में खर्चा अधिक रहेगा, पारिवारिक तनाव रहेगा और मान सम्मान में कमी आने का योग कन्या राशि का बनता है। तुला राशि वालों के लिए पार्टनरशिप के जो भी काम होंगे, रोजगार व्यवसाय में भी थोड़ा तनाव रह सकता है और दाम्पत्य जीवन में भी तनाव का योग बन रहा है। वाणी पर कंट्रोल करें, गुस्सा अधिक न करें, गुस्से पे कंट्रोल करें, खर्चा अधिक बन सकता है आपका भी। वृश्चिक राशि वालों के लिए शत्रु भय बना हुआ है, अज्ञात शत्रुओं का भय बना हुआ है, नजर रखने का योग बनता है, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बन रही हैं, खर्चा अधिक होने का भय है और साथ में अधिक यात्रा करेंगे, अनावश्यक यात्रा करने का योग बनता है, खर्चा अधिक होने का योग बन रहा है। धनु राशि वालों के लिए चिड़चिड़ापन, तनाव, साथ में संतान को लेकर चिंताएं, प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए थोड़ा दिक्कत होगी, विद्यार्थियों के पढ़ाई लिखाई के लिए दिक्कत होगी, यानी चिड़चिड़ापन, खर्चा अधिक रहना, मानसिक तनाव होना धनु राशि का योग बन रहा है। मकर राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है, सुख शांति का योग बनेगा, धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा वृद्धि के योग बनते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए भी अच्छा है, धन संपदा का वृद्धि के योग बनते हैं,
मान सम्मान प्रतिष्ठा का योग बन रहा है, पारिवारिक उलझने सुलझेंगी। मीन राशि वालों के लिए भी थोड़ा पारिवारिक कष्ट दिखता है, मानसिक तनाव है, खर्चा अधिक होगा, वाणी पर कंट्रोल करें, गुस्सा न करें, साथ में थोड़ा वाहन ढंग से चलाएं। 12 राशियों के लिए मैंने बताया कैसा रहेगा 12 राशि वालों के लिए ये ग्रहण दोष।